वेलकम टू कैरिंग क्योर रील्स। आज हम बात करेंगे एंटी स्कैन के बारे में। अभी एंटी स्कैन क्या है? आपके डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने बच्चे के पूरे हो रहे हैं तो स्कैनिंग करके एंटी स्कैन करना है, उसके लिए आपको बुलाया है। एंटी स्कैन जब आप कराने जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें मालूम पड़ती है। एक तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, मतलब अगर बच्चे की कुछ हड्डी में, दिमाग में, कोई आँखों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स अभी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि 11 वीक्स ऑनवर्ड्स अप टू 14 वीक्स मेजर प्रॉब्लम्स जो होती है बच्चे की 70-75% पिकअप अर्ली स्टेज पे हो जाती है, जिससे उसका ट्रीटमेंट करना या तो ये डिसीजन लेना कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी है तो उसको अबॉर्ट कर देना है, ज़्यादा टाइमली अपने ले सकते हैं, जिससे मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा कम होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें चेक की जाती है वो है बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसके लिए एंटी स्कैन के साथ आपका ब्लड रिपोर्ट डबल मार्कर भी किया जाता है। इन दोनों रिपोर्ट्स को कंबाइन करके एक रिस्क फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम्स की कितना रिस्क है। अगर वो हाई रिस्क में आता है तो फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन्वेजिव होते हैं, जैसे कि कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग, मतलब प्लासेंटा जो है बच्चे की मैली है उसके आसपास से टिश्यू लेके, और या तो एमनोसिंथेसिस, मतलब जो बच्चे के आसपास का पानी है उसको निकाल के उसका रिपोर्ट किया जाता है फॉर कंफर्मेशन कि आपके बच्चे को वो तकलीफ है या नहीं है। तो ये है एंटी स्कैन, और इसमें आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और जेनेटिक डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो डू नॉट वरी, आप खा पी के आराम से जा सकते हैं, इसमें भूखे पेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिपोर्ट्स आने के बाद आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट या कुछ और रेमेडियल क्योर की ज़रूरत है या नॉर्मल प्रेगनेंसी आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।